कोरोना संक्रमण का फैलाव आम नागरिकों को दैनिक जीवन में रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं किए जाने पर गंभीरता से इसे लेते हुए एडीएम सिटी आरडी मीणा ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि मानकों को अवहेलना करने पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। एडीएम सिटी ने बताया है कि दैनिक जीवन में कोटा शहर में कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया अपनाए नियमों की घोर अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण कोविड-19 संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यदि कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए बनाए गए मानकों व नियमों का इस तरह उल्लंघन होता रहा शहर में तो पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, लेकिन लॉकडाउन लगाना ही कोविड-19 संक्रमण रोकथाम का अंतिम कारगर उपाय नहीं है, बल्कि कोविड-19 के तहत बनाए गए मानकों का पालन कर ही इस महामारी से बचा जा सकता है। मतलब कोटा शहर और कोटा जिले की जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्तमान में सारे लोग अप्रैल से लेकर अब तक कोरोना महामारी के संक्रमण से पूरे विश्व, इंडिया और राजस्थान और कोटा में भी लगभग इससे गुजर रहे हैं। वर्तमान में इसके जो केसेस आ रहे हैं उनमें कमी आवे, उसमें आमजन का योगदान बहुत जरूरी है। जहाँ तक जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक जो अपील, आदेश वगैरह जो भी अनुरोध किया गया है उससे कई लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया है, अपने बिजनेस प्रमाइसिस पे उसकी पालना भी की जा रही है। फिर भी मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि यथासंभव आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं बाहर या जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उसको तुरंत निपटान करके अपने घर पे वापस रहें। आपस में बेवजह घूमना फिरना अवॉइड करें। घर से बाहर निकलने के बाद जब भी आप घर पे वापस पधारें तो आने के बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। हाथों को अगर सैनिटाइज, आपके पास जो भी डिटॉल का या और दूसरा साबुन है, जेल है, लाइफ बॉय का, उसके माध्यम से उसको धोएं, बार बार हाथों को धोएं, क्योंकि इसमें मुख्य जो बात है आपके हाथों के साथ अगर वायरस का संक्रमण होता है तो नाक पे लग जाएगा, मुंह पे लग जाएगा और आँख पे अगर हाथ लगाया तो वो आँख के माध्यम से भी संक्रमित हो जाएगा। बाहर निकलते समय आप मास्क, सभी तरह के मास्क उपलब्ध है, आप चाहे कपड़े का बनाएं चाहे मार्केट में मिल रहा है वो लें, पर मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करें बिना मास्क, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे, सपोज कीजिए वहाँ भीड़ है और लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप भी वहाँ खड़े हो और बिना मास्क के हो तो उनके जो वार्तालाप के माध्यम से जो इसके वायरस के जो संक्रमण होने की संभावना आपके ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार क्योंकि इस दरमियान आप जहाँ भी जिस भी दुकान पर जा रहे हैं, खासतौर से दुकानदार भाई उनसे अनुरोध करना चाहूँगा या जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपने शॉप पे जो भी आवे उनको थोड़ा डिस्टेंस बना के और लोगों को रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस महामारी से बचाव ही सुरक्षा है और बचाव के उपायों को अपनाना ही अपनी जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान के नागरिक के नाते, प्रदेश के नागरिक के नाते ये चीज़ मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 के तहत सर्टेन मतलब क्लोज लागू किए गए हैं, उनकी पालना करना और करवाना बहुत ही जरूरी है और उसमें पेनल्टी क्लोज रखे गए हैं। तो मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इनसे बचाव करने के लिए इनकी पालना कराया जाना बहुत जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो नहीं पहने हुए होने पर उस पर 200 रुपये पेनल्टी लगाई जा सकती है। पेनल्टी लगाने के लिए संबंधित क्षेत्र का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, SHO, DYSP और मतलब BDO, CO, जिला परिषद, इनको अधिकृत किया गया है। तो इससे इसी प्रकार कोई दुकानदार द्वारा किसी व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहन रखा उसको अगर किसी वस्तु का विक्रय किया जाता है तो उसको 500 रुपये तक पेनलाइज किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर थूकता है और नोटिस में आता है तो उस पर भी 200 रुपये की पेनल्टी लगाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाए तो उस पर 500 रुपये तक पेनल्टी लगाई जा सकती है।
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नहीं बनावे, जैसे 2 गज की दूरी है, नहीं बनाता है, 100 रुपये उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उपखंड मजिस्ट्रेट की को लिखित में बिना सूचना दिए यदि कोई आदमी शादी समारोह करता है और लोगों को इकट्ठा करवाता है तो उसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विवाह से संबंधित समारोह आयोजन जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति हो उसमें 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो तो उसमें 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये जुर्माना लगाने के लिए लोक परिवहन सेवाओं में जिला परिवहन अधिकारी RTO अधिकृत किए हुए हैं। सभी कार्यस्थल पर कार्यावधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर संबंधित क्षेत्र के GM DIC और महाप्रबंधक रिको, जैसे कोई इंडस्ट्री प्रमाइसिस है उसमें सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही तो RM रिको और GM DIC उस प्रमाइसिस के मालिक के विरुद्ध 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है। ये क्लोज राज्य सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए आपकी सुरक्षा के लिए किए गए हैं ताकि यथासंभव आप इनका प्रावधानों का पालन करें और बेवजह दूसरे लोगों को संक्रमित करने में अपने आप को सहभागी नहीं बनाएं। यही जिला प्रशासन कोटा का आपसे अनुरोध रहेगा और अपेक्षा रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़िए और इस कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने में जिला प्रशासन के साथ हाथ से हाथ बढ़ा के आगे चलिए। थैंक यू।